कराची के डीआईजी वेस्ट ऑफिस में शाह आजम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से पुलिस के शहीद जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डीआईजी वेस्ट फिरोज शाह और एसएसपी वेस्ट गुलाम असवर महसर थे। इस मौके पर शहादाओं की फैमिलीज में खाने पीने की अशिया तकसीम की गयी और खसूसी दुआएं भी मांगी गयी। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अली पुलिस कांस्टेबल की फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तमाम शहीद हैं। आपकी तालियां तालियां होनी चाहिए यार, ये तालियां बिल्कुल नहीं बज रही। तालियां मोहम्मद अली की फैमिली से इल्तमास है कि स्टेज पे आ जाएं। जबकि इस मौके पर दीगर सहाफी हजरात में सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर शाह आजम वेलफेयर ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट हिना सिद्दीकी और साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध राहिला टवाना ने एसबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम को यही मैसेज देती हूँ कि हमें अपने पुलिस को सराहना चाहिए, उनके कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम उनके साथ दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो भी हमारे लिए चार कदम आगे बढ़ाएंगे। ना कि उनके नेगेटिव चीजों को देखें, आप उनके पॉजिटिव चीजों को देखें। वो कम वसाइल में बहुत अच्छा काम कर रही है और हम तो 15 साल से पुलिस से बहुत अटैचमेंट रही है, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। इस डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बस आवाम को बिल्कुल इनके साथ तआवुन करना चाहिए। पुलिस जो है उसके लिए जरूर कुछ किया जाए, कोई कानून पास किया जाए। ये लोग अनथक मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटीज दे रहे हैं, सख्त ड्यूटीज दे रहे हैं, मगर ना तो इनकी तनख्वाहें इतनी हैं कि अगर एक सिपाही शहीद हो जाए तो उसकी फैमिली को कोई बेनिफिट हो सकता है, यानी उसको कोई पालने वाला नहीं रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ काशिफ खोकर, एसबीएन न्यूज़ का।